मैथमेटिक्स आज हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। जो बच्चे हुए क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 से करेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 6 हमने समझा दिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। बाकी आप कर सकते हो डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे हमने बता दिया था सारे रूल्स। अब हम चेक करेंगे था डिविजिबिलिटी बाय 7, क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्या ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, हम चेक करते हैं। 1, 2, 5, 3, क्या ये डिवाइड होगा 7 से, हमें चेक करना है। ठीक है ना, शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, पहला काम ये होगा तो वन प्लेस में जो है उसको डबल करके 125, बाकी एक्स्ट्रा जो भी नंबर है उनसे माइनस करें। तो ये 125 में से माइनस करना पड़ेगा 3 का डबल, तो 2 × 3 ये काम करना पड़ेगा पहला। ठीक है, तो 3 को डबल करें, वन प्लस में जो भी डिजिट है उसको डबल कर दें, फिर जो भी आएगा उसमें 125 से माइनस कर दें। तो 125 में से माइनस करते हैं 3 × 6, तो कितना आया। फिर हमें इसको डिवाइड करना है 7 से, चेक करना कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, इस होल को तो 125 से 6 माइनस कर दें तो आया 119। अब क्या ये डिवाइड होगा 7 से, चेक कर लो। अब डिवाइड करके करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डिवाइड हो गया तो 1, 2, 5, 3 भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम करते हैं, 7 का रूल सही है। 119, 7 × 7, 4, 9 × 7, 7 × 49, तो ये डिवाइड हो गया। जैसे आप देख रहे हो ये आया 17। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1, 2, 5, 3 भी 7 से डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस मीन्स यस 1, 2, 5, 3 इज डिविजिबल बाय 7। इस तरह से करना है। एक और कर लेता हूँ आपके लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं 7th का कौन सा कोई भी कर लेते हैं, जैसे 1, 6, 4, 2, 2 कर लेता हूँ, बड़ा वाला था, सेकेंड वाला कर लेते हैं। जो भी नंबर है वो उनसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है जो भी होगा आपका। तो मैं सेकेंड कर रहा हूँ इसी का, 1, 6, 4, 2, 2 इसको करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 2 है वन प्लस में इसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, और 1, 6, 4, 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं पहला काम, 1, 6, 4, 2 में से माइनस करना है वन प्लस का डबल। वन प्लस में क्या है, 2 है, तो 2 का डबल कर देंगे। तो 1, 6, 4, 2 में से माइनस करेंगे 2 × 4, तो ये आ जाएगा आपका 1, 6, 3, 8। अब ये डिवाइड करके देखते हैं 7 से होता है कि नहीं। ठीक है ना, 1, 6, 3, 8 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, सेवन टू जा 14, 2, 3, 7, 3 जा 21, 2, 8 28 आ गया, 7, 4 जा 28। ये डिवाइड हो गया जैसे आप देख रहे हो, इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है इससे, इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसका मतलब है जो ये बड़ा नंबर था हमारा 1, 6, 4, 2, 2 ये भी डिवाइड होगा 7 से। दिस मीन्स 1, 6, 4, 2, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हमें ऐसे करना है। ठीक है, इस तरह से करना है 7 का डिविजिबल रूल। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अब मैं 8 का बता देता हूँ। 8 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई भी नंबर एक लेता हूँ, तो मैं लास्ट बड़ा वाला ले लेता हूँ,
ये बहुत ही ईजी है, एट्स का रूल बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है, वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एट में थर्ड कर लेते हैं, 3, 5, 7, 3, 3, 6, क्या ये डिवाइड होगा? 8 से हमें चेक करना है। इसके लिए वंस, टेंस, हंड्रेड प्लस, ये तीन डिजिट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, चेक करना है। अगर ये डिवाइड हो गया तो पूरा भी डिवाइड हो गया, फुल पूरे नंबर, जितने भी नंबर बड़ा नंबर हो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 100 प्लस तक जो भी नंबर आए हैं 3, 3, 6, इनको आपको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके, रियल में डिवाइड करना है, चेक करते हैं। तो ये डिवाइड अगर होता है 8 से तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। तब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 3, 3, 6 को डिवाइड करो रफली, 3, 3, 6, 8, 8, 4 जा 32, 1 नीचे उतरा 6 भी आया, 8, 2 जा 16, तो ये तो डिवाइड हो गया, जैसे आप देख रहे हो इसका मतलब आंसर आया 42। ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब हम लिख देंगे कि इट इज़ 3, 5, 7, 3, 3, 6 जो है डिवाइड होगा। दिस मीन्स 3, 5, 7, 3, 3, 6 इज डिविजिबल। बाय 8 ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह समय करना है। ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बस। तो तीन ही प्लेस जो वहाँ वंस, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस में जो तीन डिजिट होते हैं उनको आपको डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में चलते हैं, बाकी आप कर लेना, इजी है। 9th में ये बोल रहा है डिविजिबल बाय 9, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे करना है। नाइन का फर्स्ट कर लेता हूँ, 3, 8, 9, 2, 3, 4, 1, 8, 1। तो पहले इन सब को प्लस करना पड़ेगा, जितने भी डिजिट्स हैं सबको प्लस करना है, इसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट हैं नंबर में उन सबको प्लस करते हैं। 3 + 8 + 9 + 2 + 3 + 4 + 1 + 8 + 1, इन सबको प्लस करने से क्या आया? तो 8, 3, 11, 11, 9, 20, 29, 30, 39 आ गए, ठीक है, 39। अब हमें चेक करना है कि थर्ड क्या 39 डिवाइड होगा, फिर हमें चेक करना है क्या 39 डिवाइड होगा 9 से। तो इसका आंसर क्या है? आपको पता है 9 के टर्म में 39 नहीं आता है, ये नो आंसर, ये नहीं होगा। तो ये नंबर भी, बड़ा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 9 से, बस इस तरह से हमें करना है। तो इन सब को प्लस करने से एक जो नंबर आया हमारा क्या आया, 39। अगर 39 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस मीन्स 3, 8, 9, 2, 3, 4, 1, 8, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 39 9 से डिवाइड नहीं हुआ, नहीं होता है, 9 के टेल में 39 नहीं आते हैं, ठीक है, इस तरह से चेक करना है। बस ये पूरा स्टेप्स आप देख लें ध्यान से, खाली प्लस करना है सारे डिजिट्स को। और वो एक ऐसा नंबर आया, क्या ऐसा क्या आया हमारा, 39 आया, 39 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है क्या ये नंबर्स हैं 10 से डिवाइड होंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है, मैं यहीं बता दूँ, सिंपल रूल। वंस प्लेस में देखो आप, वंस प्लेस में यहाँ पे 0 है, वंस प्लेस में अगर 0 हो तो ही डिवाइड होगा,
और 0 के अलावा कोई भी डिजिट ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे यस आ जाएगा पहला नंबर। यहाँ पे 9 है वंस प्लस में, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये नो हो जाएगा। यहाँ पे वंस प्लस में क्या 0 है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है पहला, तो ये आप खुद कर लोगे। वंस प्लस में 0 हो तो ही 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो इफ़ द वंस प्लस डिजिट इज 0, देन इट इज देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, क्वेश्चन मैं 11 करता हूँ, या आपको 10 या मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, 11 करके मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 से क्या डिवाइड होगा, तो हम चेक करके बताता हूँ। एक बड़ा नंबर लेते हैं, लास्ट करता हूँ मैं। एलेवन का मैं लास्ट कर रहा हूँ, 11, 9, 6, 2, 7, 3, 1। तो फर्स्ट पोजीशन में 9 है, सेकेंड पोजीशन में 6 है, थर्ड पोजीशन में 2 है, फोर्थ पोजीशन में 7 है, फिफ्थ पोजीशन में है 3, एंड सिक्स पोजीशन में है 1। तो ये पोजीशन की तरह से समझ लेंगे। तो हमें क्या करना है, पोजीशन के हिसाब से ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन में इनको बांटना है। तो देख लो कैसे मैं कर रहा हूँ, 9 क्रॉस करो ऐसे, 9, 2, 3, इन सबको अलग से प्लस करेंगे। ये है ऑड पोजीशन में, और जो छूट गए जैसे 6 है, 7 है, ये 1, ये सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन में जो नंबर है उनको अलग से प्लस करेंगे। सबको अलग अलग प्लस करना है, ऑड प्लस फर्स्ट थर्ड, एक एक छोड़ना है, एक एक छोड़ते हुए जो ये ऐसे बनेगा वेव शेप में, इनको आप अलग से प्लस कर दो। ये फर्स्ट प्लस पोजीशन को थर्ड पोजीशन में जो डिजिट है उनको प्लस करना है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन में जो है इनको प्लस कर देते हैं। इनको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इक्वल टू, प्लस करते हैं 9 प्लस 2 प्लस 3, तो 9 और 10 11 13 14 14 आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो नंबर छूट गए 6, 7 और 1, इनको अलग से प्लस करेंगे। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लस इक्वल टू, इवन नंबर में आ गया आपका 6 प्लस 7 प्लस 1, इनको प्लस करने से आया आपका 6, 7, 13, 1, 14, 14 आया। ठीक है, अब ये जो दो नंबर आया 14 इधर भी आया और इधर भी 14 आया, इन दोनों को आगे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो अभी फिर दूसरा जो दो भी जिस आया उनको माइनस कर दो, दोनों आंसर को माइनस कर देंगे आप। हमने दो काम किए थे यहाँ पे, देख लो, सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में क्या आया था 14 आया, पहला क्या आया आप देख रहे हो 14 आया, ठीक है, और दूसरे में भी 14 आया, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से 14 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 0। तो अगर आंसर 0 आता है या 11 से के टेल में आने वाला कोई भी नंबर आता है, जैसे 11 on 11 11 आया, 22 आया या 33 आया, तो ये नंबर डिवाइड होगा। तो ये रूल्स हैं 11 का, रूल्स में भी बोलता है अगर 0 आए या 11 के टेल में आने वाला कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 11 आता है, 22 33 44 55 66, ये सारे नंबर अगर आए माइनस करने से तो डिवाइड होगा। दिस मीन्स इट इज़ डिविजिबल बोल के छोड़ देंगे बाय 11। ठीक है, ये आंसर होगा आपका इस तरह से, क्योंकि ये माइनस करने से 0 आ गया तो भी डिवाइड होगा, अगर 11 आता माइनस करने से दोनों का डिफरेंस 11 होता तो भी माइनस डिवाइड होगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे, आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे बाद में।